पैटर्न्स प्रीवियस केस में जितने भी पैटर्न डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट सभी केसेस में ओनली टू पॉसिबल केस थे। पैटर्न्स के केस में या तो आपको स्पेस डिस्प्ले कराने की नीड थी या फिर स्टार्स, ओनली टू केस। बट इन दैट केस देयर आर थ्री केसेस, थ्री पॉसिबल केस। और करंट पैटर्न के रिस्पेक्ट में बात करें टोटल थ्री पॉसिबल केस होंगे। इस केस में सेम पैटर्न राइट डाउन किया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एन वैल्यूज। फर्स्ट केस, इसके साथ पॉसिबल केस के या तो आपको एट ए टाइम आपको स्पेस डिस्प्ले कराने की नीड है या फिर स्टार्स या फिर ए। टोटल पॉसिबल केस कितने होंगे? प्रीवियस केस में पॉसिबल केस क्या थे? आइदर स्पेस और स्टार, बट इन दैट केस आइदर स्पेस और स्टार और सम अदर कैरेक्टर मे बी इन दैट केस इज ए। ए के प्लेस पर कोई भी कैरेक्टर पॉसिबल हो सकता। फाइनली मीन्स क्या है इस केस में? अल्टरनेट्स के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर डिस्प्ले कराने के चांसेस हैं। मीन्स टू पॉसिबल केसेस, आइदर स्टार और ए। इन दैट केस प्रीवियस केस में ओनली टू पॉसिबल केस थे, इसलिए टू पॉसिबल केस ए फॉर एल्स के बेसिस पर डिफाइन करना पॉसिबल था। लेकिन इस केस में टोटल टू कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे, वन कंडीशन फॉर स्पेस, वन कंडीशन फॉर स्टार्स एंड अनदर कंडीशन फॉर अदर कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर मे बी ए बी सी डी लाइक दैट। टोटल कंडीशंस कितने रिक्वायर्ड होंगे इस केस में? थ्री कंडीशंस। नेक्स्ट वन, इन दैट केस अगर इस केस में फर्स्ट केस में ऑब्जर्व करें, वन बाई वन दोनों केस ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट वन, इस केस में मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ रो कितने हैं? फोर रो। हेयर वी आर कंसिडरिंग वैल्यू ऑफ एन इज फोर। मीन्स एन, मीन्स एन के फॉर्म में मैनेज करें इस प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ रोज, और एन के बेसिस पर कॉलम्स काउंट करना पॉसिबल। टोटल कॉलम्स कितने हैं? सेवन कॉलम्स। मीन्स रो कितने हैं? एन, अगर एन का वैल्यू फोर है रो का वैल्यू क्या होगा इस केस में? ऑल्सो फोर। और कॉलम वैल्यूज क्या है? सेवन। सेवन इज नथिंग बट टू एन माइनस वन, लाइक दैट। इस केस में फर्स्ट केस, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्पेसेस? फर्स्ट इफ कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड है? स्पेसेस के रिस्पेक्ट में। स्पेस, स्पेस के लिए सेम एज प्रीवियस कंडीशन, नथिंग न्यू। मीन्स प्रीवियस केस में स्टार और स्पेस के केस में कंडीशन राइट डाउन किया था, सेम कंडीशन राइट डाउन करना पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट वन, मीन्स कंडीशन क्या था इस केस में? फर्स्ट वन, आई प्लस जे लेफ्ट अपर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आई और जे का एडिशन क्या? लेस देन और इक्वल्स टू एन। आई प्लस जे लेस देन और इक्वल्स टू एन। और सेकेंड केस में बात करें राइट हैंड कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर के केस में रिलेशन क्या है? इफ इन ऑल केसेस देखा जाए इस केस में जे माइनस आई, अगर जे को आई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे माइनस आई का मिनिमम डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है? फाइव माइनस वन इज फोर। मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फोर। मीन्स एन वैल्यू फोर है देन फोर। मीन्स इस केस में राइट डाउन क्या करें? सिंपली एन। दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन में से कंडीशन किसके लिए? स्पेसिस के लिए। मीन्स ऑलरेडी जो प्रीवियस पैटर्न डिस्कस किए ऑलमोस्ट सारे केस सेम है। इस केस में आउटर लूप कितनी बार चलेगा? फोर टाइम्स, बिकॉज नंबर ऑफ रो कितने? फोर। इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे? सेवन टाइम्स, मीन्स टू एन माइनस वन टाइम्स। इसलिए आउटर लूप के केस में कंडीशन क्या राइट डाउन करें? आई लेस देन इक्वल्स टू एन। एंड इनर लूप के केस में क्या है? टोटल टू पॉसिबल कंडीशन होंगे, आइदर जे लेस देन टू इन टू एन, मीन्स जे लेस देन टू इन टू एन मीन्स फोर इन टू टू मीन्स एट, और वी कैन से जे लेस देन इक्वल्स टू टू इन टू एन माइनस वन, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स, लाइक दैट। देन इस केस में इफ कंडीशन राइट डाउन करें, इफ कंडीशंस के बेसिस पर फर्स्ट इफ कंडीशंस के बेस पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा? स्पेस। इन फर्स्ट केस इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या कराएंगे? प्रिंट एफ स्पेस। इसके अलावा थ्री अदर केस क्या है? आइदर ए और स्टार। व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टार और कंडीशन फॉर स्पेसेस? अगर स्टार्स के रिस्पेक्ट में बात करें इस पर्टिकुलर केस में रिक्वायर्ड क्या है? स्टार 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 अगेन। मीन्स स्टार वाले जितने भी केस हैं सभी केस को मैं मार्क कर रहा हूं सर्कल, स्टार स्टार स्टार। ये जितने भी केसेस मैंने सर्कल से मार्क किए सभी केसेस में डिस्प्ले क्या कराना है? स्टार, अदरवाइज ए। तो स्टार के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पर ये डिसाइड हो जाएगा मीन्स डिस्प्ले कराना है कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है। मीन्स फर्स्ट केस में इनिशियली प्रॉब्लम को टू पार्ट्स में डिवाइड करूँ बेस्ड ऑन स्पेसिस, स्पेस और सम सिंबल और कैरेक्टर्स। देन दिस इज द कंडीशन फॉर स्पेस। अगर स्पेस डिस्प्ले नहीं हो रहा था मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन स्पेस प्रिंट नहीं होगा, उस केस में प्रिंट क्या हुआ? आइदर स्टार और
ए। अब नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टार्स के लिए। स्टार के केस में कंडीशन क्या बना इस केस में, इन सभी केस में अगर आई, स्टार के केस में अगर आई और जे को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट वन 1+4, 2+3, 3+2, इन ऑल केसेस, स्टार के केसेस में आई और जे का एडिशन क्या दे रहा है आपको, सम ऑड नंबर्स, मीन्स 1+4 क्या है 5, 5 इज ऑड नंबर, अगेन 5, ऑड ऑड ऑड। लेकिन जहाँ जहाँ आपको ए डिस्प्ले कराना है, ए के केसेस में सभी केस में आई और जे का सम क्या है, इवन नंबर, 2+4 इज 6, 3+3 इज 6, 4+2 इज 6, 4+4 इज 6, 4+6 इज 10, सॉरी 4+4 इज 8, 4+6 इज 10, 3+5 इज 8। इसे ए के सभी केसेस में क्या है, आई जे का एडिशन एस इवन नंबर, देन इवन और ऑड के बेसिस पे डिसाइड क्या करेंगे, आइदर स्टार और स्पेस इन दैट केस। नेक्स्ट वन, वन मोर थिंग्स, इस केस में इवन के केस में क्या डिस्प्ले कराना है, इफ सम ऑफ आई एंड जे इज इवन, इवन के केस में क्या नोट करना है इस केस में, इन केस ऑफ इवन कैरेक्टर ए इन दैट केस। ऑड के केस में क्या डिस्प्ले कराना है, स्टार। इस केस को अभी मैं पेंडिंग में छोड़ा, मीन्स अब देन सेकेंड केस कंटिन्यू करते हैं, क्यों इस केस में, किस केस में, मीन्स इवन के केस में ए आना चाहिए या स्टार आना चाहिए, डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एन। अगर एन का वैल्यू इवन है, करेंटली एन का वैल्यू क्या है 4, 4 के केस में एन क्या है इवन वैल्यू, इवन के केस में, इवन के केस में अगर आई जे का एडिशन क्या है, मीन्स सम क्या है इसका इवन, देन क्या डिस्प्ले कराओगे ए, मीन्स अगर एन इवन है, इफ एन इज इवन, इवन दो I प्लस जे इज ऑल्सो इवन, अगर ये दोनों ही केस इवन है देन ए, अदरवाइज ऑड। इस केस में कंडीशन चेक कर दें, इस केस में अगेन मीन्स स्पेसेस के लिए कंडीशन सेम रहेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस केसेस में, स्पेस के लिए कंडीशन क्या, अगेन सेम इफ कंडीशन दोनों ही केस में सेटिस्फाई हुआ। लेकिन अब आपको फाइंड आउट क्या करना, प्रीवियस केस में 1+4 क्या रहा था इस केस में, इवन नंबर, इस केस में 1+5 क्या है ऑड नंबर, सॉरी 1+4 क्या था प्रीवियस केस में ऑड नंबर, 1+5 क्या है इवन नंबर, इन दैट केस ऑल्सो इवन, ऑल्सो इवन, ऑल्सो इवन, सेम एज, सॉरी इन दैट केस 2+6 इज ऑल्सो इवन नंबर, 3+5, इसको सारे केस मार्क करो, इस केसेस में स्टार डिस्प्ले कराने की जरूरत है, जहां जहां मैंने सर्कल मार्क किया उस प्लेसेस पर, सभी प्लेसेस पर प्रिंट क्या कराना है, स्टार, लाइक दैट। प्रीवियस केस में चेक करें, स्टार के केस में आई और जे का एडिशन क्या था, इफ सम ऑफ आई प्लस जे इज ऑड नंबर, प्रीवियस केस में अगर आई और जे का सम अगर ऑड नंबर था देन डिस्प्ले क्या कराना था, स्टार। लेकिन इस केस में स्टार के केसेस में आई जे का सम क्या है, इवन और ऑड नंबर, ऑड नंबर, प्लस इस केस में नंबर ऑफ रो कितने, 5 रो, एन वैल्यू क्या है 5, मीन्स एन के लिए, एन मीन्स नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो के लिए ऑर्डर क्या हुआ, आइदर इवन और ऑड, दोनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, बिकॉज इस केस में मैंडेटरी केस क्या है, मीन्स वेन एवर एन इज इवन, प्रीवियस केस मैंने जो केस राइट डाउन किए थे, केस किस केस में था, वेन एवर एन इज इवन नंबर, अगर एन इवन नंबर है देन ए किस केस में डिस्प्ले कराना है, इफ सम ऑफ आई एंड जे इज इवन, अगर आई और जे का सम ऑड है, ऑड नंबर के केस में क्या प्रिंट कराना है, सिंपली स्टार, सेम एज इन दैट केस। इस केस में एन वैल्यू क्या है, एन इज 5, 5 मीन्स इवन और ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर है देन इस केस में इवन की केस में, मीन्स अगर आई और जे का सम क्या है, इफ आई प्लस जे इज इवन नंबर, आई और जे का एडिशन अगर इवन है देन डिस्प्ले क्या कराना है, स्टार, अगर आई और जे का एडिशन ऑड है, इफ आई एंड जे इज ऑड, अगर ऑड नंबर फाउंड हो रहा है देन क्या डिस्प्ले कराना, सिंपली ए, दिस इज द कंडीशंस, मीन जस्ट कंडीशन रिवर्स हो रहा है, मीन्स अगर एन इवन है देन इवन के केस में क्या आएगा, ए, अगर सॉरी इफ एन इज ऑड, अगर एन का वैल्यू ऑड है देन ऑड के केस में क्या आएगा, ए, मीन्स एन के सिमिलर क्या डिस्प्ले कराना है, ए। इस केस में कंडीशन क्या राइट डाउन करें, फर्स्ट वन इनर लूप के अंदर फर्स्ट इफ कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन में राइट डाउन कर रहा हूँ स्पेस के लिए, स्पेस के लिए कंडीशन क्या आएगा, आई प्लस जे लेस देन
और इक्वल्स टू एन, और जे माइनस आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन. दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग स्पेसेस. प्रिंट एफ स्पेस. नेक्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग स्टार और स्पेस. इस केस में कंडीशन में एन के रिस्पेक्ट में राइट डाउन करूंगा. एल सेफ, इस केस में डिसाइड क्या करना है, इफ एन इज ऑड नंबर. इस पहले में एन के लिए राइट डाउन करो इवन वैल्यू. इफ एन इज इवन, फाइंड आउट कैसे करेंगे एन इवन है ऑड है. सिंपल रूल, इफ एन मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल इक्वल्स टू 0. अगर एक गिवन कंडीशन ट्रू है देन इसका मीनिंग एन क्या है, एन इज इवन नंबर. अगर एन इवन नंबर है देन इस केस में डिस्प्ले क्या कराएंगे, कंडीशंस मींस आई और जे का सम चेक करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशनल ऑपरेटर. वेयर वी आर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स. कंडीशनल ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या बनाएंगे, आई और जे का सम चेक करना. सम के केस में टू पॉसिबल केस है. आई और जे का सम क्या हुआ, आइदर इवन और ऑड. इसलिए कंडीशन क्या रखेंगे, इफ विदाउट इफ इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. आई प्लस जे मॉड्यूलो बाई 2 इक्वल इक्वल 0. अगर एक गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर तो इसका मीनिंग क्या है, इनका सम क्या है इवन. और इवन अगर सम इवन है देन डिस्प्ले क्या कराना, ए अदरवाइज स्टार. फाइनली कंडीशन प्रिंट एफ के अंदर भी डायरेक्टली राइट डाउन करना पॉसिबल. इन साइड प्रिंट एफ वी आर यूजिंग हियर प्रिंट एफ फंक्शंस. प्रिंट एफ परसेंट सी और मे बी परसेंट एस. अगर परसेंट एस यूज करें तो कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करेंगे. कंडीशन क्या था, इफ सम ऑफ आई प्लस जे मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल इक्वल्स टू 0. अगर एक कंडीशन ट्रू है देन इस केस में इसका सम क्या है, सम इज इवन नंबर. इवन नंबर है देन इस केस में रिटर्न क्या कराना, सिंपली ए. अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन रिटर्न क्या कराना, सिंपली एस्ट्रिक. देन दिस इज द क्लोजिंग एस्ट्रिक. क्लियर. इस कंडीशंस के बेस पर सबसे पहले इनर लूप के अंदर फर्स्ट कंडीशन टेस्ट होगा. फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है इफ कंडीशन देन इसके बेसिस पर सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस. अदरवाइज स्पेस के अलावा टू पॉसिबल केस होंगे, स्टार और ए. इन दैट केस अगर एन का वैल्यू इवन है, इसे कंडीशन किस क्लियर राइट डाउन किया, इफ एन इज इवन नंबर. अगर एन इवन नंबर है देन आई और जे का सम अगर ऑड नंबर होता है, इफ सम ऑफ आई एंड जे, ये कंडीशन किस लिए राइट डाउन किया, इवन के लिए. अगर इनका सम इवन है, इवन के केस में क्या डिस्प्ले कराना है, 4+2, 3+3 इन दैट प्लेस ए. इसके प्लेस पर मीन्स कंडीशन ट्रू होने पर क्या रिटर्न हुआ, इससे ए. इसलिए प्रिंट एफ से क्या प्रिंट हो जाएगा, ए. या तो प्रिंट एफ से ए डिस्प्ले हुआ या फिर स्टार. सम इवन होने के केस में ए प्रिंट हो रहा है और ऑड होने के केस में स्टार प्रिंट हो रहा है. सेम है सेकेंड पॉसिबल केस क्या हुआ, इफ एन इज ऑड नंबर. अगर एक कंडीशन फॉल्स है इसका मीनिंग एन कैसा है, एन इज अ ऑड नंबर. अगर एन ऑड नंबर है देन इस केस में विदाउट कंडीशन में डायरेक्टली राइट डाउन करो एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक के केस में चेक करना है अगर आई ओ जे का सम क्या है, इफ आई ओ जे सम ऑफ आई ओ ऑफ जे इज इवन नंबर देन डिस्प्ले क्या कराना है, स्टार. अगेन प्रिंट एफ सेम इफ कंडीशन, सॉरी सिम सेम कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. परसेंट एस इफ सम ऑफ आई एंड जे आई प्लस जे मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल इक्वल्स टू 0. अरे कंडीशन ट्रू है इसका सम क्या है, इवन नंबर. और सम इवन होने के केस में डिस्प्ले क्या कराना है, स्टार. इसलिए ट्रू होने के केस में इस बार क्या पास करें, प्रीवियस केस में क्या था ए. जस्ट इन दोनों केसेस को रिवर्स करें, स्टार. कंडीशन फॉल्स होने के केस में, कंडीशन फॉल्स है इसका भी नहीं, इनका सम क्या है, ऑड नंबर. ऑड नंबर है देन ऑड के केस में क्या डिस्प्ले कराना, सिंपली कैरेक्टर ए. लाइक दैट देन क्लोजिंग दिस इनर लूप. आफ्टर दैट लाइन को चेंज करने से जैसे इनर लूप से मैनेज किया रहा, सिंपली सिंगल रो. सिंगल रो डिस्प्ले होने के बाद लाइन चेंज करनी नीड होगी, इसलिए लाइन को चेंज करने के लिए यूज करें न्यू लाइन कैरेक्टर बाय यूजिंग प्रिंट एफ स्लैश एन. एंड फाइनली क्लोजिंग ऑफ
आउटर फॉर लूप क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शंस। मीन्स गिवन कोड के थ्रू एन के किसी भी वैल्यूज के लिए रिक्वायर्ड पैटर्न डिस्प्ले कराना पॉसिबल है।